हंडिया बस स्टैंड के चौराहे का नामकरण वीर शहीद भगत सिंह चौराहा किए जाने हेतु समस्त युवाओं ने कृषि मंत्री कमल पटेल मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम एक ज्ञापन हंडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा को प्रेषित किया है, जिसे बस स्टैंड पर वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा एवं चौराहे का नामांकन किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में हंडिया तहसीलदार डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आज ज्ञापन में युवाओं द्वारा स्थानीय बस स्टैंड चौराहे का नाम वीर शहीद भगत सिंह चौराहा रखने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक हंडिया में किसी भी चौराहे का नामांकन नहीं है, इसको लेकर युवाओं द्वारा वीर शहीद की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई है। युवा नेता सुदीप बेड़ा ने न्यूज़ चैनल पर चर्चा में बताया कि वीर शहीद भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में देश के लिए शहीद होते हुए युवाओं को देश के प्रति सच्ची भक्ति सेवा का संदेश दिया है। आपका नाम बताएं और आज यहां पे। मेरा नाम शांति कुमार जैसानी है। कल हरदा के युवाओं ने निर्णय लिया था कि हरदा के अंदर भगत सिंह नाम पर कुछ ऐसी चीज होना चाहिए जो भविष्य में भी याद रखी जाए, तो युवाओं ने निर्णय लिया कल रात को कि हंडिया बस स्टैंड, जिसका कोई नाम नहीं है, जैसे कि अभी तहसीलदार मैडम ने बताया, तो ये युवा और हम सब लोग मिलकर यहीं पे आग्रह कर रहे हैं जो प्रधान कृषि मंत्री कमल जी पटेल के नाम पे ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने ये मांग की है इस चौराहे का नाम जो है शहीद भगत सिंह चौराहा किया जाए, क्योंकि हरदे ज़िले के अंदर कहीं भी भगत सिंह के नाम पर कुछ भी कोई निशानी के रूप में नहीं है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि देश के युवा जो है आज भगत सिंह की सोच पर चल रहा है। हमारे आदर्श भारतवर्ष के क्रांतिकारी आदर्श शहीद भगत सिंह का जन्मोत्सव है, जयंती पर्व है, उसी उपलक्ष में हमारे हंडिया तहसील में, इसलिए हरदा के युवाओं ने विचार किया है कि हंडिया का बस स्टैंड का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। उसी के उपलक्ष्य में हमने एक ज्ञापन माननीय कमल जी पटेल कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश शासन के नाम से बनाया गया है, जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ, जो आज हम शासन की ओर से उपस्थित तहसीलदार मैडम को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। प्रति श्रीमान कमल जी पटेल कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा तहसीलदार महोदय हंडिया, विषय हंडिया बस स्टैंड चौराहे का नामकरण शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने वाला। श्रीमान जी, आग्रह है कि आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती संपूर्ण भारत में मनाई जा रही है एवं हरदा के युवा मार्गदर्शक के रूप में आज युवाओं के दिल में भगत सिंह जीवित हैं। आज हर युवा भगत सिंह के दिखाए पर चिन्हों पर करा, किस बात को लेकर ज्ञापन था? आज हमारे हरदा के युवा बंधुओं ने हंडिया बस स्टैंड पर एकत्रित होकर एक ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन माननीय कृषि मंत्री जी एवं कलेक्टर साहब को संबोधित है और प्रशासनिक उसमें हमें यहाँ भेजा गया है, तो हम इनका ज्ञापन लें। इन लोगों का उद्देश्य ये है कि शहीद भगत सिंह आज़ाद के नाम से इस चौराहे को रखा जाए, क्योंकि हंडिया में जो चौराहा है इसका भी कोई नामकरण नहीं किया गया और युवाओं हमारे भविष्य युवा हैं, उनकी जो इच्छा है उसको हम बहुत जितना वो चाहते हैं कि जितना तत्काल कर सके उससे जल्दी इस बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इनका जो ज्ञापन दिया गया वो तुरंत सफलीभूत हो जाए और इसका नाम लोगों का नाम बताइए। मेरा नाम सुदीप बेड़ा है। यहाँ पर क्यों उपस्थित हो? हम हरदा जिले के सभी युवा आज यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी के 113वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की यह मांग है कि शहीद भगत सिंह चौराहे का नाम रखा जाए, हंडिया बस स्टैंड चौराहे का नाम। शहीद भगत सिंह जी ने देश के लिए बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश के लिए शहीद हुए और हम लोगों ने आज SDM साहब को कृषि मंत्री के माध्यम से, हम युवाओं के माध्यम से एक देना चाहते हैं कि सभी लोग इस मांग को एकत्रित करते हैं कि हरदा ये हंडिया चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह चौराहा रखा जाए।
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हंडिया से बलवीर खत्री की रिपोर्ट।